सन्यास क्या होता है और सिर्फ सन्यास ही मोक्ष पा सकते हैं। तुम कुर्सी पर बैठे हो ना, पेड़ से तो नहीं लटक रहे, ये सन्यास है। सही जगह पर सही चीज का न्यासित होना सन्यास है। जो चीज जिस जगह होनी चाहिए अगर वो वहीं मौजूद है, वहीं अवस्थित है, तो ये सन्यास है। चांद का आसमान में होना सन्यास है, पक्षी का डाल पर होना सन्यास है, आम की डाल कोयलिया बोले, सुगना बोले वन में, ये सब सन्यासी हैं। ये सब अपनी अपनी ठीक जगह पर हैं। जिसको जहां होना चाहिए अगर वहां मौजूद है तो ये सन्यास है। तुम अब जान लो कि तुम कौन हो तो तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हें कहां होना चाहिए। जो जो कुछ है उसे उसी के अनुसार तो जगह तलाशनी पड़ेगी ना अपनी। मछली को सागर तलाशना पड़ेगा, अगर वो सागर से छिटक आई है कहीं। पक्षी को डाल तलाशनी पड़ेगी क्योंकि वो पक्षी है, क्योंकि वो मछली है। तुम भी पहले पता करो कि तुम हो कौन, उसी के अनुसार तुम्हें तुम्हारा ठिकाना तलाशना पड़ेगा और मिलेगा। तुम अगर बंदर हो तो जंगल जाओ, तुम कारोबारी हो तो बाजार जाओ, घास हो तो जमीन से लग जाओ, पानी हो तो बहो। तुम पहले ये पता तो करो कि तुम हो कौन, तुम्हारी कौन सी पहचान असली है। एक बार तुम जान गए कि तुम्हारी असली पहचान क्या है, तब तुम्हारा पूरा जीवन आचरण पहचान से ही उद्भूत होगा और पहचान के अनुरूप हो जाएगा। ये सन्यास है। सन्यास है ये जान लेना कि मेरी कौन सी पहचान असली है। जान गए तुम्हारी कौन सी पहचान असली है तो उसी के अनुसार जियोगे। मान लो तुम्हें पता चल गया कि तुम कबूतर हो, वही तुम्हारी असली पहचान है, तो अब तुम्हें घरों के छज्जों पर और घोंसलों में और पेड़ों पर पाया जाना चाहिए। घास होने का क्या है? घास होने का अर्थ है कि वहां पाए जाओ जहां घास है। अब घास आसमान में उड़ती तो नजर आएगी नहीं, न पानी में तैरती। न रसोई घर में घास नजर आएगी, न दफ्तर में घास नजर आएगी। घास कहां मिलेगी? घास है तो फिर वो जमीन में होगी, माटी पर। तुम्हें पता चल जाए अगर तुम घास हो तो फिर घास के अनुसार जीवन बिताओ। पर पहले पता कर लो कि तुम हो कौन। जो तुम हो वही तुम्हें पाया जाना चाहिए। और बड़ी से बड़ी विडंबना यह होती है कि तुम ऐसी जगह पाए जाओ जो जगह तुम्हारे लिए है ही नहीं। जैसे पक्षी पाया जाए पिंजड़े में, यह सन्यास नहीं है। पक्षी पाया गया पिंजड़े में, यह सन्यास नहीं है। तुम कौन हो और तुम कहां पाए जाते हो यह बता दो मुझे। क्या तुम वहीं पाए जाते हो जहां तुम्हें पाया जाना चाहिए? अगर हां तो सब ठीक है, अगर नहीं तो कुछ भी ठीक नहीं है। अंतःकरण तुम्हारा मुक्ति मुक्ति चिल्लाता है, आजादी स्वभाव है तुम्हारा,
और तुम ऐसी जगहों पर पाए जाते हो जहां गुलामी ही गुलामी है, ये संन्यास नहीं है। सत्य की ओर एक नैसर्गिक खिंचाव स्वभाव है तुम्हारा, और तुम ऐसी जगहों पर पाए जाते हो जहां घृणा है, द्वेष है, उदासीनता है। ऐसी जगहों पर पाया जाना संन्यास नहीं है। सहज तृप्ति स्वभाव है तुम्हारा, पर तुम ऐसा जीवन व्यतीत कर रहे हो जिसमें कामना ही कामना है, महत्वाकांक्षा है, असंतोष है, उपद्रव है, लालसा है। ऐसा जीवन व्यतीत करना संन्यास नहीं है। समझदारी बोध स्वभाव है तुम्हारा, पर तुम जिंदगी बिता रहे हो नासमझी की, उपद्रव की, इधर से उधर भागे भागे लुटे पिटे फिरते हो। ऐसे लुटे लुटे घूमना संन्यास नहीं है। होश स्वभाव है और पाए जाते हो तुम शराब खानों में, हजार तरीके के नशे करते हुए। ऐसे पाए जाना संन्यास नहीं है। हृदय तुम्हारा बहुत बहुत बड़ा है, विशाल गह्वर, और जीवन तुम व्यतीत करते हो क्षुद्रता का, संकीर्णताएं हावी रहती हैं तुम पर। तुम कहते हो ये चार लोग हैं, इनसे मेरा रिश्ता है, बाकी दुनिया सब पराई है, दुश्मन है। तुम कहते हो ये जो छोटा सा क्षेत्र है ये मेरा घर है, और घर के बाहर जो कुछ है वो एक अनजाना। खतरनाक संसार है ये, संकीर्णता ये संकुचन स्वभाव नहीं है। समझ में आ रही है बात? संन्यास है अपने स्वभाव के अनुसार जीवन जीना। जो तुम्हारा स्वभाव है वही तुम हो। संन्यास होता है अपनी पहचान, अपनी असलियत, अपनी सत्यता के अनुसार जीवन का निर्वाह करना। हम में से कोई नहीं है सन्यासी। सन्यासी होना बड़े भाग्य की, बड़ी साधना की, बड़ी कठिन और साथ ही साथ बड़ी सहज बात है। क्योंकि स्वभाव मुश्किल तो हो नहीं सकता, लेकिन हमने मुश्किल बना लिया है। जैसे कि किसी मछली को धारणा बैठ गई हो कि वो हिरण है, कि वो ऊंट है, और कभी वो जंगल में पाई जाती हो, कभी रेगिस्तान में। जो मछली रेगिस्तान में पाई जाती हो उसकी हालत कैसी होगी, जरा बताओ कैसी होगी? ये वो मछली है जिसने सन्यास नहीं लिया, ये वो मछली है जो सन्यस्त नहीं है, और इसीलिए ये तड़प रही है। हर वो व्यक्ति जो सन्यस्त नहीं है तड़पता नजर आएगा,
और जहां कहीं भी किसी तड़पते हुए को देखना, जान लेना कि ये संन्यस्त नहीं है। हमारी हालत उसी मछली जैसी है जो रेगिस्तान में इधर उधर घूमती है और बीच बीच में कहती है कि कुछ गड़बड़ सी लग रही है, कहीं कुछ गड़बड़ है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि क्या गड़बड़ है। गड़बड़ बस इतनी सी है कि तुम वहां नहीं हो जहां तुम्हें होना चाहिए। मछली सागर में पहुंच जाए ये संन्यास है। बारी